पिछले कई दिनों से एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि सट्टेबाजी के मामले में गुरुनाथ मैयप्पन का हाथ है और वो भी चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं। लेकिन हर बार श्रीनिवासन इसे खारिज करते रहे हैं और लगातार इसे मीडिया का हमला बता रहे हैं। शनिवार को श्रीनिवासन साहब मुंबई में मीडिया के सामने आए, वो खोला तो ये बोला, I have done nothing wrong. I have no intention to resign. I cannot be bulldozed or railroaded into resigning. रविवार को फिर वो मीडिया के सामने आए, राग वही, कोई बदलाव नहीं। I have not done anything wrong, and I have again said that I will not allow myself to be railroaded, pushed, threatened to quit. No, I have a job. I was elected to do it. I will do it fair. सोमवार को फिर मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, जवाब सुनिए। See, you are hounding me. I've already had a press conference yesterday and I said it's the press who's hounding me, the media hounding me. I have no reason to do. जी हाँ, ये तो मीडिया है जो श्रीनिवासन साहब के पीछे पड़ा है, वरना तो उनकी कोई गलती ही नहीं। ये मीडिया है जिसकी वजह से उनके दामाद पकड़े गए। ये मीडिया है जिसने उनके दामाद के ट्विटर अकाउंट में फ्रेंचाइजी का मालिक लिख दिया। मीडिया ने ही मालिकों वाला कार्ड बनवा दिया। मीडिया के कहने पर ही राजीव शुक्ला ने वो मेल किया जिसमें श्रीनिवासन के दामाद को मालिक के तौर पर शामिल किया गया है। मीडिया के कहने पर ही बिंदु दारा सिंह ने गुरुनाथ मैयप्पन का नाम लिया। मीडिया ने ही बिंदु दारा सिंह को VIP एरिया में धोनी की पत्नी के बगल में सीट दिला दी। सब मीडिया का किया धरा है, वरना श्रीनिवासन साहब ने कहां कोई गलती की है। उन्होंने तो एक क्रिकेट प्रशंसक को टीम के करीब आने का मौका दिया। सुनिए, रविवार को उन्होंने गुरुनाथ के डगआउट में बैठने पर क्या कहा था। He did not have any role at all. In fact, he never visited the office of the Chennai Super Kings. But he would go. He was enthusiastic. I let the commission find out, you know. But you asked me a question, I gave you a reply. That's all. श्रीनिवासन ने ये भी बताया था कि किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा। जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं वो सिर्फ मीडिया है, जिसे कोई हक नहीं बनता। श्रीनिवासन साहब को शायद प्रेजेंटेशन के वक्त ये आवाज भी तालियों से लगी होंगी। सुनिए, जब रवि शास्त्री ने उनका नाम अनाउंस किया तो क्या हुआ, शायद शोर ही समझ आ रहा होगा। मिस्टर एन श्रीनिवासन, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। लेकिन ईडन गार्डन में मौजूद कोई भी शख्स बता सकता है कि श्रीनिवासन को हूट किया गया। शायद करीब 60,000 लोग भी मीडिया के ही होंगे जो श्रीनिवासन को हूट करने के लिए ईडन गार्डन में मौजूद थे। तो इन सारी तस्वीरों को भूल जाइए कि मुंबई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर हिमांशु रॉय ने क्या कहा। अगर BCCI एक जांच कमेटी बना रही है तो उसमें भी कुछ गलत ढूंढने की जरूरत नहीं। ये भी पूछने की जरूरत नहीं कि आपके दामाद के खिलाफ की गई जांच में रिपोर्ट आपको ही दी जाएगी। इसमें भी कोई गलत नहीं, सारी गलती मीडिया की है या उन लोगों की जो पैसा खर्च करके स्टेडियम में जाते हैं ये सोच कर कि उन्हें जो दिख रहा है वो पहले से तय नहीं है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।